कट बहुत दिक्कत होता है यहाँ से ना। यहाँ से पहले मान लो कि जो ये अभी जो हाईवे बना वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले हम लोग को 30 मिनट लगता था, आजकल वो चल रहा है इसमें 140 मतलब 1 घंटा 45 मिनट चल रहा है। रास्ता मतलब ख़राब होने के कारण तो हम लोग इमरजेंसी कभी चलने के लिए करने से आधा रास्ते में बस के भी बैठ जाते हैं रास्ता ख़राब होने के कारण ना। इसी तरह से हम लोग को तो बहुत तकलीफ़ होता है मतलब, और ऊपर से वही सिर्फ नहीं वहाँ से जो सामान लाने के लिए भी तकलीफ होता है और यहाँ से ले जाने तकलीफ होता है, उसी में हम लोग बहुत तकलीफ होकर बैठा हम लोग ना। सुनने में आया है कि यहाँ के सामान के दाम भी बहुत ज़्यादा है पालीन के आईए में कंपेयर में, तो इस विषय में मतलब आपको क्या लगता है, ये रास्ता के कारण या फिर कुछ और? नहीं, रास्ता के कारण ही ये सब हो रहा है ना, क्योंकि सच बोलने से तो पहले तो हम लोग कम था ना, उसके बाद अभी रास्ता के कारण उन लोग जो सब्जी का दाम भी आलू का दाम भी पहले हम लोग को 20 रुपये में मिलता था, अभी हो गया आपका ये 50 रुपये में किलो का चल रहा है। तो रास्ता के कारण जो बोलने से उन लोग का रास्ता ख़राब होने के कारण उन लोग लाने के लिए तकलीफ होता है बोलकर, इसी कारण से हम लोग को सच बोलने से बहुत तकलीफ हो गया दुकान का सामान है ना। हाईवे स्कीम के बारे में तो ये तो चलता ही रहता है ना, तो क्या करेगा, एक दूसरे को केस लग लग के अभी तो ऐसे फंसा हुआ है। मैं सच बोलने से उन लोग पॉलिटिकल लोग उन लोग के लिए गाड़ी अच्छा चल बड़ा गाड़ी पकड़ चलता है, हम छोटा गाड़ी पकड़ने वाला हम लोग एक ही गाड़ा में फंस के बैठा हुआ है ना, तो उन लोग आराम से पैसा खा के बेहतर हम लोग आराम इतना तकलीफ से कष्ट से ये चलना पड़ता है। सच बोलने कभी कभी इतना गुस्सा लगता है कि क्या बोलेगा, जहाँ में गाड़ी ख़राब होगा वहाँ में लोग गाड़ी छोड़ देने मन होते हैं, जब तक अगर पैसा क्लियर दें तब तक नहीं उठे हम लोग कभी कभी सच का वही सोच के बैठा हुआ है।